shit. कहाँ भर गया पागल हो गया मेरे पैर पानी आए हुए हैं। कोई बात नहीं रुक जाओ। ये देखे कौर फंसे हमारी तरह। रास्ते इतने भयंकर है, ऐसी नाली में भी हमारी फंसी थी, बहुत मुश्किल से निकली है ट्रैक्टर से ही। मैं एग्जैक्ट जगह व्लॉग बना नहीं पाया। आप ये देखो यहाँ पे पानी का लेवल क्या है, ये देखो मेरे गेट पे जस्ट, और इससे भी ऊंचा था, मेरे शीशे तक यहाँ तक पानी आ गया था एक जगह। कैसे निकले मुझे पता है, बहुत पानी हमने निकाला है, पूरी गाड़ी में पानी भर गया था, तो हमने बहुत ज्यादा निकाल दिया, पूरा पानी भरा पड़ा। ये देखो बहुत ज्यादा गहरी थी वो जगह। बेचारा खाली वाला वो बैठ के खा रहा था भुट्टा, जिसमें दाना ही नहीं था। हमने इसे अभी वो वाला दिया जो हमारा था। ये देखो बेचारे खाली वाले खा रहे हैं। सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग है बहुत एडवेंचरस, ऐसा है मैं दिल्ली से आ चुका हूँ पनघोट, जो पड़ता है नैनीताल से भी आगे। और मैंने व्लॉग क्यों रिकॉर्ड नहीं करा रास्ते का, भाई इतना डेंजर रास्ता था, इतना डेंजर रास्ता था कि सच्ची कह रहा हूँ जान निकल गई जान। और एक थोड़ी गलत चीज हो गई हमारा रास्ते में, एक हम दो गाड़ियां आ रही थी तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था, जो समझ ही नहीं आया। जितने बंदे गाड़ी में बैठे थे ना, एक स्टेज पे आके सबकी अचानक से आग लग गई और सीधा गाड़ी जाके पहाड़ में घुस गई। भाई जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ना, मैं उससे पीछे वाली गाड़ी में था, तो मैंने खुद देखा हुआ क्या। लेफ्ट कर्व था, वो लेफ्ट अच्छा खासा जा रहे थे, मैं उन्हें फॉलो कर रहा था, लेफ्ट होते होते सीधा राइट मार दी उन्होंने पता नहीं कैसे, और गाड़ी जाके सीधा घुसी और धुआं निकलने लग गया। तो हमने सबको जल्दी जल्दी बाहर निकाला, क्योंकि धुआं निकल रहा था, मैं ये था आग ना लग जाए। भाई इतना डेंजर था वो चीज, मतलब हम अब तक वो चीज भूल नहीं रहे, हमारे दिमाग में सुबह से वही चल रहा है। लेकिन फिर अब वो गए, उन्होंने गाड़ी वगैरह ठीक कराई है, तो अभी हम लोकेशन पे आ गए हैं अपनी पनघोट पे, और वो लोग गाड़ी ठीक करा के रास्ते में, और अब वो आ रहे हैं। देखो यार जो भी हुआ बहुत ज्यादा डेंजर था, बिल्कुल सहम दए थे हम, पल महादेव की दया से हम थप थुलक्षित है। और अब यार देखो कहीं पे जाते हैं ना तो एंजॉय करने जाते हैं, तो उन सब बातों तो हमें भूलना है। तो हम सब बात कर चुके हैं आपस में कि छोड़ो उस बात को, जो हुआ हम सब सेफ है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तरंगे हम एंजॉय। और मैं आपको तो दिखाता हूँ जिस होटल में हम रुके हैं वहां से तैसा व्यू वाला है। आओ ये है हमारा रूम, ये अपना बेड, छोटा सा रूम प्यारा सा, ये हम, आपका साहिल गुप्ता, साहिल आर्या 20। और साहिल आर्या नहीं हूं मैं, साहिल गुप्ता हूं। जिन जिन लोगों को लगता है कि मेरा नाम साहिल आर्या तो नहीं, वो है साहिल एरे। एरे का मतलब होता है टीम, तो उसका मतलब था साहिल अंडरस्कोर टीम 20, जो मेरा यूजर नेम है, लेकिन मेरा रियल नेम है साहिल गुप्ता। आओ आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। ये देखो ये है हमारा व्यू होटल से। अभी यहाँ पे नीचे हिरन भी घूम रहा था, ये देख रहे हो यार, बिल्कुल बादल हमें टच करके जा रहे हैं। बेटा वो तो आंटी है, वो हिरन थोड़ी है। कैसा लगा रास्ता? बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा लगा, बिल्कुल डर नहीं लगा रास्ते में, बहुत डर लगा, नहीं लगा। यार अगर आपका कभी पनघोट घूमने का प्लान बनता है ना, तो डे में ही ट्रेवल करना, डे टाइम में, नाइट टाइम में मत करना, बहुत खतरनाक रास्ता था भाई। एक तरफ ना मेरी गाड़ी अचानक से रोड से थोड़ी सी नीचे को उतरी और मेरी जान में जान अटक गई थी सच में बिल्कुल। लेकिन मैंने घर वालों कैसे कह रहे नहीं नहीं चिल्ला है, कोई टेंशन मतलब डरो मत, क्योंकि वो और ज्यादा घबरा जाते। अब मुझे लग रही है भूत, तो मैं थोचला हूँ मैं क्या था हूं? क्या था हूं? क्या था हूं? यार पता है मेरी दिक्कत क्या, चाहे कितनी भी ठंड हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को पंखा चाहिए होता है। और मेरे को एक ड्रॉबैक लग रहा है, यहाँ पंखा नहीं है। अब ये चीज मुझे बड़ी दिक्कत देती है। मेरे घर वाले तो बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें तो यही था कि भाई यहाँ बहुत ठंडा है, यहाँ पंखा नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें पता था होगा तो मैं चलाऊंगा, और अब यहाँ है नहीं, मुझे होगी रात को दिक्कत। मेरे तो तुप तप से ये बता दो, मेरा लॉलीपॉप किसने था या मेरे बैग से निकाल दे, इसने मैं बहुत मारू ना बता रहा हूँ। हम तो थाने तक सोच ले, बताओ क्या था दे। कैमरा इसके पीछे, और ये कैसे भागेगी देखो कैमरे से, क्योंकि ये शकल नहीं दिखाएगी अपनी, शकल दिखा मामू, डांस कर दो। ओह यार यार ये कितनी ऑसम है यार। बाबू ये आपके साथ कौन नाच रहा है, बंदरिया? कौन? बंबरिया। रास्ता कैसा लगा ज्योति दी, ये पहली बार आई है पहाड़ों में, कैसा लगा रास्ता? अच्छा। अगली बार आओगी? बहुत अच्छा है, बहुत आओगी। रास्ते में तो ऐसे कर रही थी, अरे मुझे ये क्या हो रहा है, ये आएगी जीजू नहाने के। पता है मैं बहुत दिन से परेशान हो रहा था, इंस्टा पे मेरी वीडियोस नहीं चल रही थी, तो अभी मेरे दोस्त का कॉल आया, मेरा नेट तो चल रहा था, उसने कहा नूनू भैया आपने वीडियो डाली है ना एक अभी रिसेंट, मैंने कहा क्या आपकी वो वीडियो भी चल गई, उसमें बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। मैंने कहा चलो जी, बहुत दिन से आईडी डाउन जा रही थी,
पर आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से चीजें चलेंगी और चलती जा रही हैं, बहुत आगे जाएंगे हम लोग, बस सपोर्ट मत रुकना और इस वीडियो पे भी कमेंट करते रहा, क्योंकि आपके कमेंट से ही व्लॉग्स मेरे आगे बढ़ेंगे और ये चैनल आगे जाएगा। भाई तेली वाले ने भी तिल तो धोता दिया था, हैं? तब से चल रहा था तुम्हारा रिलेशनशिप। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ आपका क्या सिस्टम है दीदी? ये पीछे आपकी जो मम्मी आई है, ये मम्मी है या बंदलिया है? मम्मी है, मम्मी है। ओ जो दीदी बंदरिया बोल रहा है, बंदरिया बोल रहा है। और क्या वेदर हो रहा है, बादल एकदम चलते हुए दिख रहे हैं भाई साहब, मतलब जबरदस्त भाई। ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक मेंटल पीस के लिए अगर आप कहीं आना चाहते हो ना, तो ये बेस्ट जगह है। अब ऐसे ये रहा एक थपना है अपने धरते थारे बच्चों, तो एक दिन पादल तर धुंदा। अभी देखो बादल हटे तो क्या व्यू आ रहा है, ये देखो बिल्कुल बादलों की चादर दिख रही है दूर भाई, बहुत सुंदर जगह है यार। नाइट व्यू देखो यहाँ का ना, प्यारा आ रहा है। बंती का थाबुन स्लो है और इन होटल वालों की थर्विस। मैंने पूछा थाने का ऑर्डर लास्ट कब तक लोगे, तो कहते अभी दे दो, तब बहुत लेट जाके थाना आया था, क्योंकि हम फ्लैश बनाते हैं। मैंने तो 10 बजे तक तो ऑर्डर ले लो देना, कहते नहीं अभी दे दो, उस टाइम पे 7:30 बज लेते, 7:30 बजे तो थाना आता है। उसके बाद हमने इन्हें ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिए हुए अभी लगभग 1 घंटा हो चुका है, तो ही नामो निशान नहीं है ऑर्डर का। हम यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं थाना तब आएगा। चलो तो ही बात नहीं, अब जब तक ऑर्डर आ रहा है तब तक हम थोड़ी पार्टी कर लेते हैं। ओ हेलो, तौन सी पार्टी समझ लो, वो वाली नहीं तारा, चिप्स विप्स खा लेंदे, तोल ड्रिंक पी लेंदे। मुझे ऐसा लगता है मैं पत्थर था बनाऊं, तो इतनी थक थक गए। मैंने पूरे रास्ते दारी चलाई और देखो मेरे में अभी इतनी एनर्जी, मैं ब्लॉग बना लो इधर, तू घूमते मजे ले लूं, मैं तो ही थकान नहीं है, क्योंकि मैं इस ट्रिप तो इंजॉय कर लूं, फुल ऑन इंजॉय। ये इसके बस की नहीं है, इसके मुंह पे कैमरा कर दूंगा, अपने मुंह पे फोन ले आएगी जानबूझ के तेरे बस। अच्छा अपना मुंह दिखा दे, चल दिखा। अब भैया मेकअप के पीछे इतना भी मत मरो कि मेकअप है नहीं, तुम दिखाई। ये हाथों पे एक तो सतरंगी कलर कर लेते ना, ये कौन सा फैशन है हाथों पे सतरंगी कलर करने का। फाइनली अब जाके खाना है, और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, हमने मंगवाई कढ़ाई पनीर, दाल फ्राई, मिक्स वेज रायता, ये तो मेरी जान है, राइस और रोटियां। मिक्स वेज रायते में क्या झूठ बोल रहा हूँ भाई, तूने कहा था मेरा फेवरेट है, मैंने कहा था मेरा है। देखो तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हारा भाई तुम्हें पताने वाला नहीं है, तो इस ब्लॉग में मुझे जो जो तुम्हें मेन चीजें दिखानी थी, जैसे कि व्यू, हम कहाँ आए हैं, हमने क्या क्या एक्टिविटी की, हमारे साथ क्या क्या हुआ, वो सब दिखा दिया। तो खत्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे, और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी तो सब्सक्राइबर्स बनेंगे। तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए, लव यू ऑल, बाय बाय।